हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर सिंगर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ वैसे प्रोडक्ट्स की जिसका यूज़ हमने पिछले मंथ किया है, यानी कि अगस्त में मैंने जिन मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ अधिकतर किया है, मैं उसके विषय में आप लोगों से भी बात करने वाली हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ जॉय का प्योर नेम स्किन प्योरीफाइंग फेस वॉश। इसका यूज़ हमने किया है लास्ट मंथ में और ये मेरे पास दो पैकेट था, तो एक पैकेट मेरा लास्ट मंथ ही समाप्त हो गया है और इसे मैं फिर से स्टार्ट की हूँ और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इस ये 100 ml की क्वांटिटी में है और इसकी प्राइस है 110 rupees, बट ये मुझे कुछ डिस्काउंट में मिला था, ऑनलाइन हमने इसे परचेस किया है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, एलोवेरा जेल की तरह है, देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर का जेल है। और इसका जो पैकेट है, इसका जो ट्यूब है, ये यहाँ पर वाइट कलर का है, इसलिए अंदर का जो मीन्स फेस वॉश है वो दिख जा रहा है ग्रीन कलर का। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको पिंपल्स वगैरह हैं और आप चाह रहे हैं कि अफोर्डेबल कोई फेस वॉश यूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो और कम प्राइस में भी हो, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लिया है लैक्टोकैलामाइन का सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन लोशन का यूज़ आप किसी भी वेदर में कर सकती हैं और सनस्क्रीन लोशन का यूज़ हर एक स्किन टाइप के लोगों को करना चाहिए। और ये लैक्टोकैलामाइन का है, यानी पिरामल हेल्थ केयर का है ये वाला सनस्क्रीन लोशन, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसे हमने जब यूज़ किया तो ये मेरे चेहरे पर सूट भी किया है। मेरा स्किन ऑयली है, जैसा कि मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बतला चुकी हूँ, और ये सनस्क्रीन लोशन मुझे किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुँचाया है, मेरे चेहरे पर कोई हार्म नहीं हुआ है। मैं इसका यूज़ कंटिन्यू की हूँ 1 month से, अब ये ख़त्म भी होने वाला है, आधा ख़त्म हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। और ये 50 ग्राम की क्वांटिटी में है और इसकी प्राइस है 349 rupees। तो इसे भी हमने ऑनलाइन परचेस किया है और इसके भी रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वैसे मैं सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तीसरा प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का रोज हिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम, जिसकी क्वांटिटी है 10 ml की और ये नो पैराबेंस है और क्रुएल्टी फ्री भी है। और इसकी प्राइस है 215 rupees, लेकिन इसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स वगैरह चलता रहता है, तो आप भी चाहें तो आप इसे मंगवा सकते हैं। इसे मैंने purple.com से लिया था और इसके लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसके इंडिविजुअल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इसकी सेल्फ लाइफ है 2 years की और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, हर एक स्किन टोन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, तो आप इसके साथ जा सकती हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर लिया है सोल्ट्री का अंडर आई जेल, जो कि एथिकल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है तथा आयुर्वेदिक भी है और ये पोमेग्रेनेट एंड आमंड से मिलकर बना हुआ है। 40 ml की क्वांटिटी में है और इसकी प्राइस है 990 rupees और इसकी सेल्फ लाइफ है 30 months। तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, लास्ट 2 months से मैं कर रही हूँ, मीन्स अगस्त में भी मैं इसका यूज कंटिन्यू की हूँ, तो इसलिए मैंने इसे भी शामिल किया है। और ये भी थोड़ा ही सा बचा होगा, आई थिंक मुझे फिर से इसे परचेस करना होगा, आधा से कम है अब इसमें, आधा से कम इसमें बचा हुआ है, तो इसका यूज़ भी मैं अगस्त में कंटिन्यू की हूँ। उसके बाद है नेल पॉलिश, तो नेल पॉलिश का यूज़ तो सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो लास्ट मंथ मैंने लैक्मे के ट्रूवियर नेल कलर का यूज़ किया है, सेट नंबर 502, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, कलर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मीन्स कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए भी अच्छा है और अगर आप ऑफिस वगैरह जाती हैं तो आप इसका यूज़ कर सकती हैं, ये टीनेजर को भी पसंद आएगा और हम लोग के जैसे लड़कियों को भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला कलर, मीन्स गोरी लड़कियों के नेल्स पर भी अच्छा लगेगा और थोड़ी सांवली लड़की रहेंगी तो उनके नेल्स पर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि स्किन अगर यहाँ पर गोरा रहता है और नेल पॉलिश इस तरह का रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगेगा, तो आप इसके साथ भी जा सकती हैं।
उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है लैक्मे का 925, और ये 99 रुपीज़ का पैकेट हमने परचेज किया था सीसी क्रीम का, और ये ब्रॉन्ज, ये सेट नंबर 03 ब्रॉन्ज है, और ऑल इन वन है, इंस्टेंट स्किन स्टाइलिस्ट है, SPF 30 PA++ के साथ है, और ये 9 ग्राम की क्वांटिटी में है, तथा इसकी ट्यूब भी मैं दिखला ही दे रही हूँ, सॉरी इधर से खुलेगा, तो इसकी ट्यूब छोटी सी है, लेकिन मैं कहीं बाहर जाती हूँ तभी मैं इसका यूज़ करती हूँ, तो इसका यूज़ मैं लास्ट मंथ में की हूँ, तो अब ये ख़त्म ही होने वाला मीन्स लास्ट ही है, तो इसका यूज़ मैं की हूँ इसलिए मैंने इसे भी अपने वीडियो में शामिल कर लिया है। और टीनेजर लड़कियों के पास या फिर जो कम मेकअप करती हैं मीन्स मेरे जैसी लड़की, तो उनके पास इस तरह के छोटे प्रोडक्ट होने चाहिए। उसके बाद मैंने लिया है एल ए गर्ल का प्रो कंसील हाई डेफिनेशन कंसीलर, और ये इसका इसकी क्वांटिटी है 8 ग्राम्स, और इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस यहाँ पर मेंशन नहीं है, यहाँ पर एक रैपर था दिया हुआ तो उसमें लिखा हुआ था, इसे मैंने 400 समथिंग में मंगवाया था, इसे मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, तो इसके रिव्यू भी मैं अपने चैनल पर अपलोड की हूँ, बट इसकी प्राइस मुझे अभी नहीं यहाँ पर दिख रही है, पता नहीं शायद इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर जो रैपर लगा हुआ था उसमें इसकी प्राइस दी हुई थी। तो ये है अंडर आई कंसीलर टाइप का, मीन्स अगर आपको डार्क सर्कल वगैरह है तो भी आप इसका यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप इसका यूज़ स्किन पर भी कर सकती हैं। उसके बाद है फिट मी का मेबिलिन फिट मी पाउडर, 112 नेचुरल आइवरी सेट नंबर है इसका, और SPF 28 PA++ के साथ है, 20 आर ऑयल कंट्रोल है, और ये एक मैटे प्लस पोरलेस कॉम्पैक्ट पाउडर है, और इसकी प्राइस है 199 रुपीज़, इसकी सेल्फ लाइफ है 2 इयर्स की, और इसे मैं यूज़ की हूँ, लास्ट मंथ ही मैं इसका यूज़ की हूँ, और अभी भी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगा है, तो क्योंकि छोटू सा पैक है, और इसकी एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, अभी ही 2-3 दिन पहले यहाँ पर जो मिरर दिया हुआ है ये मिरर हट गया है, जिसे कि मैं फेविक्विक से चिपका लूँगी, बट बाकी इसका जो भी मीन्स प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके पफ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, छोटे से हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो 199 में अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट है, और मुझे छोटे मीन्स मेकअप के मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा हाई मेकअप अच्छा नहीं लगता है, मैं कभी कभी मेकअप करती हूँ, लेकिन डेली अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं हल्के मेकअप करना पसंद करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और उसके बाद है सुगर का मिनी लिपस्टिक, जिसका यूज़ मैं की हूँ, और ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा है, इसे मैं दिखला दे रही हूँ, मैंने मिनी लिपस्टिक मंगवा लिया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था पहले कि कितना बड़ा होगा, और जब मैंने इसे मंगवाया तो ये एक पैकेट में मुझे मिला था, और इस तरह के बॉक्स में आया है, यहाँ पर शुगर के साइड्स दिए हुए हैं, इसे मुझे खोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसे खोलकर दिखला दे रही हूँ, ये कुछ इस तरह से है, बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है इसमें, और इन चारों के रिव्यू भी मैं इंडिविजुअल की हुई हूँ, और ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं इसके सेट नंबर मैं आप लोगों को बतला दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप भी मंगवा सकते हैं, तो ये है 43 हॉट शॉट, और इसकी प्राइस है 249 रुपीज़, और इसकी क्वांटिटी है, मैं इसमें बतला रही हूँ देख के क्वांटिटी कहाँ पर दी हुई है,
हाँ, इसकी क्वांटिटी है 11 ml की, और इसे मैं एक बार दिखला दे रही हूँ इसके पैकेट को कि कितना क्यूट सा पैकेट है, बहुत ज़्यादा अच्छा सा। देख सकते हैं आप, ये रानी पिंक टाइप का कलर है और 43 हॉट शॉट लिखा हुआ भी है। तो मैं चारों के शेड सिर्फ बतला दे रही हूँ, और चारों ही बहुत ज़्यादा अच्छा वाला शेड है, तो आप इसका यूज़ कर सकती हैं मंगवा कर अगर आप मिनी लिपस्टिक लेना चाहती हैं तो। और इसे मैंने मिनी मंगवाया था, बट इसका मुझे मीन्स बड़ा वाला फाइल चाहिए था, तो अभी मैं उसे नहीं परचेज़ की हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द परचेज करूँगी और इसके रिव्यू को भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी ज़रूर। तो दूसरा जो लिपस्टिक है वो है 07 रेथिंक पिंक, देख सकते हैं आप यहाँ पे 07 रेथिंक पिंक लिखा हुआ है। और उसके बाद है 08 वाइन एंड शाइन लिपस्टिक, और उसके बाद लास्ट है 42 टोस्ट रोस्ट लिपस्टिक का नाम है, टोस्ट रोस्ट, और 42 इसका प्रोडक्ट नंबर है। तो मुझे इन चारों में अगर सबसे अच्छा मुझे कोई लिपस्टिक लगा है तो वो है वाइन एंड शाइन। ये वाला जो लिपस्टिक है ना, इसे जब आप लगाएंगी तो आपको लगेगा कि आपने अपने लिप्स पर गुलाब लगा लिया, मीन्स एकदम गुलाब का जो कलर होता है, लगेगा कि गुलाब का फूल है लिप्स पर रखा हुआ, मीन्स बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। तो आप एक बार शुगर का 08 सेट नंबर ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा हिट, और अगर ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और तब भी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि प्लीज आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी ने इस वीडियो को आज देखा, आप लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।